चिल्ड्रन, आइए कंटिन्यू करते हैं पार्ट 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। और जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में कमेंट किया था, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ चुंबक की खोज की कहानी। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, यूनान नाम के देश में एक मैग्नस नाम का गडरिया रहता था। अब बच्चों आप कहेंगे गडरिया क्या होता है? गडरिया होता है वो आदमी जो अपने पशुओं को चराने के लिए दूर खुले मैदानों में, घास के मैदानों में या पहाड़ों पर लेकर जाता है। तो मैग्नस भी एक गडरिया था और वो रोज अपनी भेड़ और बकरियों को लेकर दूर पहाड़ों पर जाता था और अपने पशुओं को कंट्रोल करने के लिए उसके हाथ में एक छड़ी होती थी और उस छड़ी में एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। शुक्रवार का दिन था, मैग्नस थोड़ा बीमार था उस दिन, तो उसने एक बार को तो ये सोचा कि आज मैं पहाड़ों पर नहीं जाता, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। पर उसे लगा कि अगर आज मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी जो बकरी है और जो भेड़ है वो भूखी रह जाएंगी। तो वो इसलिए उठा और हिम्मत करके दूर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा उनको चराने के लिए। अब धीरे धीरे मैग्नस गया और पहाड़ों तक पहुंच गया। वहां उसकी भेड़ और बकरियां जाकर घास और पत्ते खाने लगी। उसको थोड़ी थकान महसूस हुई और उसका सिर चकराने लगा, तो वह पास में ही एक चट्टान पर छड़ी रखकर बैठ गया। जब थोड़ी देर बाद उसे थोड़ा ठीक महसूस हुआ तो वह उठा और उसने अपनी छड़ी उठाने लगा। पर ये क्या, जब उसने छड़ी उठाने की कोशिश की तो उसने देखा कि उसकी छड़ी उस चट्टान पर चिपक गई है। और जब उसने थोड़ी और जोर लगाया तो उसे ऐसे लगा कि वो चट्टान उसे अपनी ओर खींच रही है। वह डर गया, वह चिल्लाया, भूत भूत बचाओ बचाओ, क्योंकि उसे यही लगा कि जो चट्टान उसे अपनी ओर खींच रही है उसमें जरूर भूत होगा। और वह चिल्लाते चिल्लाते गांव की ओर दौड़ दौड़ कर भागा। जब गांव में वह भागा तो वहां के लोग उसे देखकर पूछने लगे, क्या हुआ मैग्नस, तुम ऐसे क्यों डरे हुए हो? तब उसने गांव वालों को बताया कि पहाड़ पर एक चट्टान है जिसके अंदर भूत रहता है। सभी लोगों ने जल्दी से अपने घर में जो भी चीजें थी, जैसे कि हथियार थे, चाकू थे, लोग कुल्हाड़ी थी और लकड़ी की डंडे, सब गांव वाले अपने हाथों में वो सामान लेकर पहाड़ की तरफ भागे। मैग्नस आगे आगे दौड़ता जा रहा था और गांव वाले उसको फॉलो करते करते उसके पीछे पीछे जा रहे थे। और जैसे ही वो चट्टान आई, मैग्नस थोड़ी ही दूरी पर उस चट्टान पर रुक गया और उसने गांव वालों को रुकने का इशारा किया, रुक जाओ भाई लोगों, यही है वो चट्टान जिसमें भूत रहता है। गांव वाले वही रुक गए और वहीं से उन्होंने उस चट्टान पर वो सारे हथियार फेंके जो उनके हाथ में थे। सभी ने अपने साथ लाए हुए चाकू, भाले, कुल्हाड़ी, लकड़ी के डंडे सब चट्टान की तरफ फेंके और वो क्या देखा उन्होंने कि लकड़ी के डंडों को छोड़कर सारे के सारे हथियार चट्टान पर चिपक गए। गांव वाले भी डर गए और वो उल्टे पैर दौड़ने लगे, भूत भूत बचाओ बचाओ बचाओ। और गांव वाले जब पीछे पीछे जब गांव वाले गांव की तरफ दौड़ रहे थे तो मैग्नस ने कुछ देखा, शायद उसके दिमाग की बत्ती जल उठी। उसने कहा, रुको भाइयों, रुक जाओ, यहीं रुको। सभी गांव वाले उसकी तरफ आए और उसने सभी को चट्टान की तरफ चलने का इशारा किया। मैग्नस के साथ सभी गांव वाले चट्टान की चारों तरफ एक घेरा बनाकर खड़े हो गए। मैग्नस ने कहा, देखो भाई लोगों, कुछ तो अलग है इस चट्टान में, क्या तुम नहीं देख पा रहे जो मैं देख रहा हूँ? गांव वालों ने कहा, क्या मैग्नस भाई, ऐसा क्या दिख रहा है इस चट्टान में तुम्हें? तो मैग्नस ने कहा कि ये चट्टान लोहे की चीजों को तो अपनी तरफ खींच रही है, पकड़ रही है, चिपका रही है, लेकिन जो लकड़ी के डंडे हैं वो तो दूर ही पड़े हैं। इसका मतलब ये भूत तो नहीं है, क्योंकि अगर ये भूत होता तो सबको अपनी ओर पकड़ लेता। तो गांव वालों ने बोला, हाँ भाई, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैग्नस ने कहा, ये एक खास प्रकार का पत्थर लगता है जो लोहे की चीजों को तो अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन बाकी वस्तुओं को ये
नहीं आकर्षित कर रहा। गांव वालों की जान में जान आई और उन्होंने इस पत्थर का नाम मैग्नस के नाम पर मैग्नेटाइट ही रख डाला। तो देखा बच्चों कितनी मजेदार थी ये स्टोरी और ऐसे खोज हुई प्राकृतिक चुंबक की। तो बच्चों इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर हमें अंधविश्वास न करके बल्कि साइंटिफिकली अप्रोच से उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। उससे क्या होगा, हो सकता है कि आप भी मैग्नस की तरह कुछ खोज निकालें। तो बच्चों मजा आया ना ये स्टोरी सुन के? लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ लिखिएगा इस स्टोरी के बारे में। और आपको नोट्स में क्या लिखना है वो भी देखिए। यूनान नाम के देश में रहता था एक गडरिया, चराता था जो भेड़ और बकरियां। पहाड़ों पर मिली उसे एक जादुई चट्टान, लोहे को खींचना आकर्षित करना जिसकी पहचान। मैग्नस ने ढूंढा तो मैग्नेट कहलाई, प्राकृतिक चुंबक ऐसे खोज पाई। तो ये स्टोरी की समरी आपने अपनी नोट्स कॉपी में लिखनी है और सबमिट करनी है अपने टीचर्स को। थैंक यू। NTPC फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।